जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आपको हमारा पिछला वीडियो याद हो तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि समय विशेष को ध्यान में रखकर यदि कोई कार्य किया जाए तो उसके परिणाम काफी लंबे समय तक हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। यदि समय सही हो और आपका कदम सही हो तो बहुत लंबे समय तक उसके परिणाम हमें शुभ अवश्य प्राप्त होते हैं, लेकिन गलत समय पर यदि कोई हम कदम उठाते हैं तो उसके परिणाम हमें बहुत लंबे समय तक नकारात्मक देखने पड़ते हैं। दर्शकों, ऐसी ही एक ग्रहों की स्थिति बनी थी फरवरी माह के अंदर, 28 फरवरी के आसपास, जिस पर मैंने एक विशेष एपिसोड बनाया था और ये कहा था कि ग्रहों का समुद्र मंथन है और इसमें बहुत बड़ी घटना होने की संभावना इस विश्व के अंदर मुझे नजर आ रही है। हालांकि उस समय तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इस तरह की स्थिति पैदा होगी। हालांकि दोनों के बीच में तनाव अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन रशिया ने एक गलती की। उस पर्टिकुलर कालखंड के अंदर जब ग्रहों की एक विषम परिस्थिति बन रही थी, उसी समय पर उसने यूक्रेन के साथ में एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया जो उसके लिए गले की फांस बन चुकी है। दर्शकों, उस समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति बनी थी जब यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद हुआ था, वो इतनी खतरनाक स्थिति थी कि उसके अंदर ग्रहों की ऐसी परिस्थिति थी कि जैसे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा, एक भंवर के बारे में भी आपने सुना होगा कि वहां पर जहां चक्रवात हवाएं चलती है, एक ऐसी स्थिति का निर्माण होता है कि सब कुछ एक तरह से बिखर जाता है। ठीक इसी तरह की परिस्थिति उस समय पर ग्रहों की बनी थी और उसमें रशिया के द्वारा उठाया गया एक कदम ऐसे गलत समय पर उठाया हुआ कदम है कि जो अंतहीन लड़ाई की शुरुआत दर्शाता है। यानी जो विवाद अभी तक चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, ये ऐसे ग्रहों की परिस्थिति में इसका जन्म हुआ है, जिसका परिणाम क्या होगा वो मैं आज आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, क्योंकि 2-3 माह मैंने इसका रिजल्ट देख लिया है उन ग्रहों की परिस्थिति का, और उसका व्यापक इंपैक्ट पूरे विश्व पर क्या पड़ेगा ये भी अब हमारे सामने है। ऐसे में दर्शकों, ये लड़ाई अंतहीन लड़ाई होगी, कोई सार्थक परिणाम इसका नहीं निकलेगा। दोनों देश पूरी तरह से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अपने आप को बर्बादी के मुकाम तक लेकर जाएंगे और एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी लड़ाई ये चलती रहेगी जो अर्थहीन होगी, जिसका कोई निर्णय नहीं होगा और अंततः दोनों अपने आप को बर्बाद करने के बाद एक ऐसे रास्ते पर पहुंचेंगे जहां पर सिवाय आत्मसमर्पण करने के दोनों के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और दर्शकों, जब भी कोई लड़ाई होती है, अगर ग्रहों की ऐसी परिस्थिति के कारण से हो जो खराब हो और उसमें यदि कोई कार्य आरंभ हो जाए तो वो बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान अवश्य करता है, चाहे फिर वो परिस्थिति भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की हो या बांग्लादेश का जिस समय जन्म हुआ उस समय की ग्रहों की परिस्थिति हो, या यूक्रेन और रशिया के अंदर जो विवाद हुआ और इसकी जो युद्ध की शुरुआत हुई उन ग्रहों की परिस्थिति हो। ये सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी थी जो विषम परिस्थितियों के अंदर बनी थी और उस समय पर ये कदम उठाए गए थे और जिनके परिणाम हम आज तक देख रहे हैं, जिनके दुष्परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। और ऐसी ही गलती इस समय पर हो चुकी है जब 26 फरवरी के आसपास ये सारी घटनाएं घटित हुई, 28 तारीख के आसपास ग्रहों की एक विषम परिस्थिति थी और उन परिस्थितियों का परिणाम ये हुआ कि एक अंतहीन लड़ाई आरंभ हो चुकी है और जो पूरी तरह से यूरोप और रशिया दोनों की कमर तोड़ के रख देगी, क्योंकि ऐसा भंवर है ग्रहों का जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता किसी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रहों का समुद्र मंथन था। एक ऐसी परिस्थिति थी जब काल सर्प योग बन रहा था और सारे के सारे ग्रह किसी विशेष स्थान पर आकर एक अम्ब्रेला बना रहे थे, जो एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे थे
जैसे एक बरमूडा ट्रायंगल होता है, जहां पर जो कोई भी जाएगा उसमें समा जाएगा, अर्थात उस समय पर उठाया गया कोई भी कदम ऐसा होगा जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी को भी नहीं मिलेगा, और जिन्होंने भी उस समय पर कोई बड़ा कदम उठाया है वो सब इस तरह के परिणामों को अवश्य देख रहे होंगे। दर्शकों, एक अंतहीन लड़ाई है जो शुरू हो चुकी है, और इनसे बाहर निकलने का रास्ता 2027 के बाद जाकर के इन दोनों देश को मिलेगा। तब तक ये पूरी तरह से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अपने आप को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा चुके होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, फरवरी के अंदर घटने वाली घटना जो हुई थी ग्रहों की, उसका जो मैंने आकलन दिया था, अब वो घटना घटित हो चुकी है, उसके परिणाम हमारे सामने है। इसीलिए अब इसके अंत की कहानी क्या होगी उसके संदर्भ में मैंने आज आपको वीडियो दिया है, क्योंकि दोनों चीजें अपनी जगह पर सही हुई हैं तो इसका अंत भी इसी तरह का होगा जो मैं आज आपको इस वीडियो में कह रहा हूं। एक अंतहीन लड़ाई, ऐसी दर्दनाक लड़ाई जिसका अंत दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, और जिसके दुष्परिणाम इन दोनों देशों को बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे और दशकों तक इसके दुष्परिणामों का असर देखते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।